माइक और मैं दोपहर को नौका में घूमने निकले हैं और समुद्र में काफी दूर आ गए हैं। बात यह है कि हमने दिन भर के लिए एक स्थानीय व्यक्ति से किराए पर नौका ली थी, पर उसमें मशीनी खराबी आ गई है और अब हमें जान बचाने की कोशिश करनी पड़ रही है। मुझे अभी भी समुद्र तल नजर आ रहा है, इसका मतलब अभी भी किनारे से हम करीब 32 किलोमीटर के दायरे में ही हैं। हमारे पास मछली पकड़ने के सिर्फ दो ही हुक हैं। संभल कर काम करना पड़ेगा, कहीं ये भी ना चले जाएं। इसलिए रुथ शार्कों पर नजर रख रही हैं, जबकि मैं मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मछलियों आ जाओ। मछली मिली है? हाँ। ये रीफ फिश है? नहीं, ये जैक फिश है। रात के खाने का इंतजाम हो गया। मैं एक स्ट्रिंगर तैयार कर रहा हूँ ताकि मछलियों को जरूरत पड़ने पर ताजा रखा जा सके। हम उन्हें एक स्ट्रिंगर में रखेंगे और उन्हें नौका के बगल में लटका देंगे। शार्क, शार्क, शार्क। हाँ, हाँ, सही है। वो देखिए, वो देखिए। वो मेरी छोटी मछली के लिए आ रही है। रुक जाइए, वो आपको काट लेगी। माइक, शार्क को जाने दीजिए। शार्क को जाने दीजिए। उसे पकड़ लिया है। शार्क को जाने दीजिए। मैं अपना चारा बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आपको काट लेगी। यहाँ, तो नौके को तोड़ देगी। यहाँ, माइक, उसे जाने दीजिए। रस्सी तो मिल गई, पर इस चक्कर में नहा भी लिया। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। इस आकार की नौका पर शार्के चढ़ भी सकती हैं? हाँ, चढ़ सकती हैं, ये मुमकिन है। मैं सोच रहा हूँ कि खाने के लिए कुछ और चीजों का इंतजाम कैसे किया जाए।